की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, जो सरकार निकलनी है। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के आवास पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी में रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता रविंद्र भाटिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के नेतृत्व में भाजपाइयों ने खुली गुंडाई करते हुए जानलेवा हमला किया और उनके घर पर लगी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आवास में घुसने की कोशिश की। उक्त घटना आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आम आदमी पार्टी पूरे प्रकरण की घोर निंदा करता है और घटना की SIT जाँच करने की मांग करता है। प्रदर्शन के मौके पर सुशील शुक्ला, तारा सिंह बिष्ट, अजय कुमार, अनिल बिश्नोई, अरविंद भाटिया, कासिम खान, ममता गुप्ता, गुड़िया खान आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम रविंद्र भाटिया है। भाटिया के संबंध में प्रदर्शन किया। देखिए, पिछले दिनों जो जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर एक लोकतंत्र पे हमला, उनके घर पर हमला किया गया। सामने पुलिस खड़ी रही, दिल्ली शहर की पुलिस खड़ी रही और अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला, ये जो RSS के गुंडे थे, BJP के गुंडे थे, उन्होंने करा और पुलिस चुपचाप तमाशबीन बनकर देखती रही। हम यहाँ पे इस प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो अमित शाह जो है मंत्री, उनसे हम आज के प्रदर्शन के द्वारा ये अपील कर रहे हैं। अमित शाह, ये जनता के द्वारा जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, जो तीन बार और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का जिसके दो राज्य सरकार है उस पर हमला, तो अगर उस पर हो रहा तो आम जनता पर, आम आदमी पर की दुर्दशा क्या हो। अगर कोई सरकार के खिलाफ अगर कुछ बात बोलता है तो ये लोकतंत्र का अधिकार है, लोक का अधिकार है, तो हर आदमी को बोलने का अधिकार है। और एक मुख्यमंत्री बोल रहा है तो आप हमला करा रहे हैं, बहुत ही निंदनीय हुआ है। यह हमला तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर हुआ है, जब उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता और उनके बच्चे थे, उस टाइम RSS वालों के में हमला करा। पुलिस सिक्योरिटी थी, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी थी, मगर पुलिस सिर्फ तवास भी बन के देखती है। आम आदमी मांग करती है जितने भी दोषी हैं और जितने उस टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे थे, उन्हें सबको बर्खास्त किया जाए और जो दोषी थे उन्हें जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, जो आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है।